प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। काम से एनडीए के इस निर्णय से विधानसभा चुनाव में जबरदस्त रूप से फायदा होगा। नहीं पारी है, लेकिन वकालत के अनुभव से, वकालत में भी राजनीति करता रहा हूं, तो इसका बखूबी, इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद हैं बिहार विधानसभा में, जहां पर नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित तमाम जितने बड़े नेता हैं, नित्यानंद राय, वो पहुंचे थे। और आज नामांकन करा लिया गया है उपेंद्र कुशवाहा का और मनन कुमार मिश्रा का, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे, अब उन्हें राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया गया है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा की, जहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया है, नॉमिनेशन जो है वो करा लिए गए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया है, तस्वीरें आपको तमाम दिखा रहे हैं। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, इसके अलावा मनन कुमार मिश्रा क्या कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सदस्यता के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। एनडीए के सभी नेताओं का धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। एनडीए में चिराग पासवान जी, मांझी जी, सब लोगों का, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का, एनडीए समर्थक सभी जनता का, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं का, सभी समर्थक लोगों का, सब लोगों का हृदय से धन्यवाद है। नई जवाबदेही मिलने जा रही है, उस जवाबदेही का निर्वहन बिहार के इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में पूरी मजबूती से की जाएगी। विधानसभा चुनाव में इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा सर? अगले साल का चुनाव है, आपको आगे बढ़ाने का क्या फायदा? देखिए, एनडीए ने हमेशा समाज के सभी वर्ग को जोड़कर ले चलने का काम किया। निश्चित रूप से अभी इस काम से, एनडीए के इस निर्णय से विधानसभा चुनाव में जबरदस्त रूप से फायदा होगा। और सीधे तौर पे कहा जाए तो एनडीए की सरकार बहुत ही ढंग के बहुमत से इस बार फिर बिहार में बनी। बहुत लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव में छल से हराया गया, इस कारण वो नाराज हैं, वो नाराज हैं। अब बहुत लोग कौन कह रहे हैं, अब जो जो लोग बोलते हैं, सबकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है। हम अपनी बात कहते हैं, लोग अपनी बात कहते हैं। जो ड्यूटी होती है स्टेट के इंटरेस्ट में, बिहार की जनता के इंटरेस्ट में, देश की जनता के इंटरेस्ट में, खास करके जो सामाजिक न्याय से वंचित लोग हैं उनके इंटरेस्ट में, जो भी मेरी जवाबदेही होगी उस जवाबदेही का निर्वहन मैंने पहले भी किया है सदन में रहकर। अब सदन में जाने का फिर मौका मिला है, वहाँ फिर से उन मुद्दों को हम उठाएंगे और लोगों के इंटरेस्ट को। जिस तरह से विपक्ष नैरेटिव फैला रहा है, इसका जवाब आप देंगे? इतना नज़दीक से कैसे बात है? आपके राज्यसभा आने का फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा, इसमें भारी बहुमत के साथ एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। मिश्रा जी, मनन जी, क्या बोल रहे हैं? क्या बस आंसर है? आपको जा रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये पार्टी के प्रति? अब तक आपने वकालत की, लेकिन ये नहीं पारी है। ये नहीं पारी है, लेकिन वकालत के अनुभव से, वकालत में भी राजनीति करता रहा हूं, तो इसका बखूबी, इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, सरकार को। अभी चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव है, आपको भेजने का ये फल मिलेगा कुछ? अवश्य अवश्य, सारे उपचुनाव और सभी विधानसभाओं में हम जीतेंगे। कितने खुश हैं आप लोग उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा? देखिए, राज्यसभा के मिलने पार्टी के लिए एक मोरल बूस्टिंग भी है, पार्टी के लिए भी एक बड़ी बात है, चूँकि फ्लॉरिश होगी पार्टी, आगे बढ़ेगी, उसका विस्तार होगा। तो जाहिर है कि तमाम कार्यकर्ताओं में और जो भी प्रमुख नेता हैं उनमें खुशी है कि उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा में जा रहे हैं और फिर आगे पार्टी का जो है। जब लोकसभा का चुनाव हुए तो उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से हार गए, कई लोग कहते हैं कि वो छल से हराए गए, आप मानते हैं? जी देखिए, वो चुनाव में किन वजहों से हार हुई है तो इसमें हम लोगों ने समीक्षा भी की है, लेकिन छल और परपन जैसी अभी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है। राज्यसभा जा रहे हैं, कितने खुश हैं कार्यकर्ता? कार्यकर्ता पूरा बिहार के लोग खुश हैं, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से माउस हो गए थे, पूरे कार्यकर्ता का, पूरे दूसरे समाज के लोग भी, सामाजिक आदमी हैं, समाज के हर वर्ग के धरोहर हैं और इनसे आशा थी लोगों को, लेकिन काराकाट में जो हो गया
उसका जो है हम लोग का अफसोस था, जनता के अफसोस थी, इसका परिणाम है कि जो है बिहार में ऐसे राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार में कुशवाहा का नेता उपेंद्र कुशवाहा है, जाति के नेता नहीं है, जमात के नेता है, हर जात के नेता है, कुशवाहा समाज के नेता नहीं है, हर समाज के नेता है उपेंद्र कुशवाहा, हर जात के हैं। ऐसा बात क्या है, क्या उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा जाने से खुशी? बहुत अच्छा है, बिहार के कार्यकर्ता में खुशी की बात है, कुशवाहा का नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी है, पूरे बिहार का नेता। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजना ठीक था एकदम? बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। ये सुनने में आ रहा है कि सिर्फ 2 साल के लिए ही जा रहे हैं राज्यसभा? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं, 4 साल के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ 2 साल के लिए ही राज्यसभा भेजा जा रहा है, क्या एनडीए ने सम्मान दिया है? हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है, एनडीए मजबूत होगा और दोस्ती बनी रहेगी, सब फिट रहेगा, आगे रिन्यूअल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे पूछते जीत है। कुशवाहा को लेकर बातें हो रही थी कि जब काराकाट में चुनाव हुआ वो हार गए, छल से हराए गए, ये सबको पता है, उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उन सब बातों पर विराम लग गया, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आज नई कहानी, आज नई कहानी, जश्न का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी का पूरे बिहार में उत्साह है। आज बंदी के कारण पटना लोग नहीं आ सके, बहुत लोग रास्ते पर फंसे हुए हैं, नहीं तो पूरा पटना पट गया रहता उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों से। दोपहर तक और लोग आएंगे? बिल्कुल, जितना जो जहां लोग हैं शाम तक सभी जगह से खबर आ रही है, जाम और बंदी के कारण, नहीं तो आज पटना का नजारा कुछ और रहता। पटना का नजारा कुछ और है, उपेंद्र कुशवाहा के जाने से खुशी है? उपेंद्र कुशवाहा के जाने से खुशी है? हाँ, एकदम खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। कहाँ से है? काराकाट लोकसभा से, काराकाट से हुआ है। काराकाट ने तो लेकिन इस बार हरा दिया था। अरे क्या किया जाए, हराया तो हम लोग नहीं, बहुत लगा इनको जिताने के लिए, लेकिन क्या कीजिएगा। अच्छा, उपेंद्र जी के लिए आप लोग मिठाई लेके आए हैं? हाँ, एकदम गाजा बाजा मर मिठाई सब चीज की व्यवस्था है, सब कुछ है, सारी चीज है, सारी तैयारी पूरी है हमारी, और आगे के लिए फूल गुलदस्ता का हम सब स्वागत के लिए उनको, सर के लिए हम लोग आए हुए। देखिए और भी लोग हैं जो क्या क्या लेके आए, उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं रास्ते, मिठाई फल सब लेके आए हैं सर, खुशी है, पूरा पूरा खुशी है, कार्यकर्ता पूरे बिहार की जनता खुश है, मजबूत रहेगा बिहार में, बिल्कुल मजबूत रहेगा सर, विधानसभा का भी तैयारी करना है इसी के मद्देनजर, तैयारी करना है, तमाम इतने लोग हैं, कितने खुश हैं। उपेंद्र कुशवाहा के घर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आज राज्यसभा के नामांकन करेंगे, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप लाइव स्ट्रीम से आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ढोल लगा रहे, बज रहे हैं, आप सुन रहे हैं, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, काम से एनडीए के इस निर्णय से विधानसभा चुनाव में जबरदस्त रूप से फायदा होगा। नई पारी है, लेकिन वकालत के अनुभव से, वकालत में भी राजनीति करता रहा हूं, तो इसका बखूबी, इसका भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।